आपको बड़े प्रेम के साथ मैं फिर समझाता हूँ। जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, इसलिए ज्यादा आस मत रखो बच्चा। और जो आपकी समस्या है वो हमारे पास लाओ, हम उसका निस्तारण करेंगे। कोई सवाल हो, कोई शंका हो तो पूछिए। बाबा मेरे 4 दिन से बैल बीमार है और ना कुछ खावे ना पीवे, ये ढाल बन गए। हे ईश्वर, इस बच्चे की समस्या का समाधान बता, बता। बेटा तू यहां से सीधा सड़क पर जा, वहां से ब्लॉक के लिए सवारी पकड़, वहां जाकर तुझे जानवरों का डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर राकेश। उसे ईश्वर ने अभी अभी दिव्य ज्ञान दिया है, और उसे जब तू अपने बैल दिखाएगा तो बैलों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाएगा और वो भले चंगे तेरा काम करने लगेंगे। जा ब्लॉक चला जा, कल्याण हो बच्चा। अच्छा बाबा, बाबा की जय हो, कल्याण हो। और कोई भक्त, कोई और समस्या हो? बाबा ये मेरा छोरा है, आयुष्मान भव, ये बहुत कमजोर है, शरीर में कुछ नहीं लगता खाता है, इसका दिमाग पढ़ाई में भी कमजोर है। हे ईश्वर, इस बच्चे की समस्या का समाधान बता, बता समाधान बता। बेटा तेरे बच्चे की समस्या का समाधान शहर जाकर होगा, तू शहर चला जा और वहां पर जो बस अड्डा है ना उससे दक्षिण की दिशा में डॉक्टर मित्तल हैं, वो हमारे बड़े प्यारे शिष्य हैं, वो इसकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि इसके पित्त में राहु बैठा है, राहु, और राहु का जो समाधान है वो कर देगा, और उसके बाद आपका बच्चा भला चंगा स्वस्थ हो जाएगा। जा बच्चा, कल्याण हो। आ बच्चा तू भी अपनी समस्या बता। बाबा मैं अपनी दो भाइयों से बड़ा परेशान हूं। मेरी पहली पत्नी के बच्चे ना हुए थे, माने पोते के आस में मेरी दूसरी शादी करा दी, अपने आप तो माँ ऊपर चली गई, मुझे इस नरक में छोड़ गई, उनके रोजों के धर्म पे कलेश से मेरा जीवन खराब हो रहा, कैसे भी करें कोई उपाय बताओ। बच्चा तेरी समस्या का यहाँ पर समाधान नहीं होगा, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। आओ बच्चा। दूर बाबा की, दूर बाबा की, दूर बाबा की, दूर बाबा की। अरे भैया तेरी समस्या का समाधान मैं तो क्या, इस संसार में कोई भी बाबा नहीं कर सकता। अरे भाई तू तो मुझे बड़ा ज्ञानी लग रहा, अरे मैं तो एक घरवाली के चक्कर में इंजीनियर से बाबा बन गया, और तू दो दो संभाल लिया। अरे मैं तो लोगों की समस्याओं को इंटरनेट पर समाधान देखकर बता दूं और उल्लू बना दूं, मगर भाई इस समस्या का समाधान तू मुझे बता दे, चाहे जो चाहे ले ले। कितना पानी पीएगा आज? अरे गोपाल तो फरी में कहाँ घूम रहा है भाई, आ जा पानी पी ले। अरे एक बात तो बता, मैं तू दोपहरी में गया था कहाँ? अरे वहां गया था उस गूगल बाबा धोरे। अरे वो तो बहुत पहुंच वाला बाबा, हुआ कुछ समाधान? कुछ भी पहुंच वाला ना सुसरा, मेरे उल्टा खुद को न पूछ रहा, तू दो दो बहू ले रहा, मैं तो एक को देख के बाबा बन गया। कोई समाधान तो मुझे उल्टा बता दिए भाई। यह अच्छी रही, तू तो डबल बाबा बन सके, हमारा काम चल सके भाई। वाह सुनो होके। क्यों हो गया? कुछ ना, मैं तो चेक करूं थी, मेरी आवाज में वो दम रहे आकना रहे, मेरी आवाज सुनकाओ होकना आते। अच्छा अब जाऊं? हाँ जाओ। चेक करन लगी। सुनियो भूरे के जिज्जा,
के बात होगी, अब तू भी चेक करा के अब तेरी बात मानू अख ना मानता। मुझे ना कोई तसल्ली करनी, मुझे पता है मेरी आवाज में बहुत करंट है अभी। ये लो तुम प्याज काट दो। ये भाई देख, मेरे तो प्याज काटने मत कह कर, मेरी आँख बहुत दुख है। अच्छा वाह कहती तो अभी काट देते, मैं कह रही तो आँख फूट रही। तू जाने वह तो गर्दन पर छुरी रख के बात करे ना। मैं तो प्यार से कह रही ना, काट दो ना। तेरी प्यारी मिठी बोली, उसकी छुरी तो भी खतरनाक है। ला दे काटू। आज तोरा दिल के अरमा मुश्किल से डांटने, आज तोरा दिल के अरमा मुश्किल से डांटने, मुश्किल से डांटने। घने दिना मैं लिकड़ आयो चांद मारे आंगने, घने दिना मैं लिकड़ आयो चांद मारे आंगने, चांद मारे आंगने। कद की मैं बैठी तेरे आंगन में आन जी, कद की मैं बैठी तेरे आंगन कोन्या समझे ऐसी बात के बहतान की, तू ही कोन्या समझे ऐसी बात के बहतान की। गैल मैं बिताई तेरे बैरी कितनी रात से, आज क्यों यार लागे पर है पहली मुलाकात से, पहली मुलाकात से। हाय गैल मैं बिताई तेरे बैरी कितनी रात से, आज क्यों यार लागे पर है पहली मुलाकात से। आदत गई ना तेरे ताड़ के लखान की, आदत गई ना तेरे ताड़ के लखान की, ताड़ के लखान की। हाय तू ही कोन्या समझे ऐसी बात के बहतान की, तू ही कोन्या समझे ऐसी बात के बहतान की, बात के बहतान की। देख के जी राजी हो जाके गजब सी लागे से, आंखिए दुनाड़ी तेरी गोली सी दागे से, गोली सी दागे से। रे देख के जी राजी हो जाके गजब सी लागे से, आंखिए दुनाड़ी तेरी गोली सी दागे से। दिल नु करा छांट ले तू जितने रंग छांटने, दिल नु करा छांट ले तू जितने रंग छांटने, जितने रंग छांटने। घने दिना मैं लिकड़ आयो चांद मारे आंगने, घने दिना मैं लिकड़ आयो चांद मारे आंगने, चांद मारे आंगने। मेरा के कसूर बैर तोड़ सा बिठारी तू, बताले जाल गेरा बन के शिकारी तू, रे मेरा के कसूर बैरन तोड़ सा बिठारी तू, बताने जाल के रे बन के शिकारी तू। आज सारी रात लागे नैन मारे जागने, आज सारी रात लागे नैन मारे जागने, नैन मारे जागने। घने दिना मैं लिकड़ आयो चांद मारे आंगने, घने दिना मैं लिकड़ आयो चांद मारे आंगने, चांद मारे आंगने। ले ले। सुनो जी, कल मेरे पापा आ रहे, बस स्टैंड पे से ले आइयो एक बार जाके उन्हें। अच्छा वो पहलवान, तुम तीनों कम थे मेरी जिंदगी में, तुमने पहली बतरे नरक मचा रखा। देखो जी ऐसा ना बोलो मेरे पापा के बारे में, लाखों में एक है मेरे पापा, उनके जैसा इस दुनिया में कोई ना है। लाखों में ना करोड़ों में एक है वो यूपीपी। अरे भाई चलते क्यों नहीं? वो सुधीर बाइक लेकर आ, फिर चलते हैं। अरे यूपीपी कांस्टेबल नंबर 1,405 किसी का इंतजार नहीं करता। अरे अभी हमारे पैरों में बहुत दम है। अरे 5 क्या, हम 50,000 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। अरे भाई चलो। क्या हुआ? मेरे बस की ना चलना, मेरे को डर में रहा तुम। अरे अभी तो तू जवान है, जब मैं बागपत में था ना
तो मेरा थाना इंचार्ज बोल लग रहा था अपनी घरवाली से कि तूने विजय मलिक जैसा पट्टा जवान देखा है, कितना सुंदर है। अरे तुझे पता है यहाँ से मेरा ट्रांसफर 2 दिन में हो गया था। अरे उस दूसरे थानेदार की घरवाली का जीजो मुझ पे आ गया था। विजय कुमार मलिक, यू बुलाया किसने? अब अपनी गाँव जा। आ जाओ। अरे आ जवान, आओ। अरे कहाँ है लाली? नमस्ते पापा जी। नमस्ते। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो। हाथ मुंह धो लो पापा जी, खाना तैयार है। अरे यो तूने बहुत अच्छी बात करी। यूपीपी कांस्टेबल नंबर 1,405 को ना भूख बहुत अच्छी लग रही है। तू ऐसा कर, खाना लगवा दे फटाफट। ठीक है पापा जी। अरे क्या हुआ? मेरा तो हो गया जी। हो गया? अरे यूपीपी कांस्टेबल नंबर 1,405 जब तुम्हारी उम्र में था ना, तो मैं अपनी माँ से 2-2 बार चून मंडवा दिया करता था। अब तू 1 रोटी खा के चला, हो गया और खा। सही कहा पापा जी ने, जब पापा जी घर पे खाना खाते थे भाई को दोबारा चून पिसवा के लाना पड़ जाता था। वो तो दिख रहा है डांगर को देख के। अरे भाई तुम्हारी तो डाइट बहुत कम है और तुम कमजोर भी बहुत लग रहे हो, तुम्हें तो कुछ एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। ऐसा कल से तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें जवान बनाता हूँ। अरे जब मैं तेरी उम्र में यूपीपी कांस्टेबल नंबर 1,405 विजय मलिक यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था ना, तो पीटीआई बोल रहा था कि लड़के तो बहुत देखे पर तेरे जैसा जवान पट्टा नहीं देखा। जब मैं परेड के लिए रोड पे लिख रहा था तो जवान छोरी तो क्या, बुढ़िया भी मुड़ के देख रहती। लो पापा जी दूध पी लो। अरे यू तू नहीं दे दे। अरे बेटी थोड़ा सा दूध इसे भी पिलवा दे कर, बहुत कमजोर हो रहा, शुरू हो जा। अरे भूरे जोर लगा। देख कैसा मरासा कसरत कर रहा, पर तू चिंता मत कर बेटी, जब तक मैं यहाँ रहूंगा ना इसे एकदम फिट फोर कर दूंगा, ये तो उछाली मारेगा उछाली। ठीक है पापा जी। एक ही सड़ांध। गोपाल कैसे थका थका सा हो रहा, आज तो ढीला हो रहा, आ जा दे ही। अरे मैं बताऊंगा यूके बताएगा, बड़ी बारी का बाप आ रहा, इसे पहलवान बना रहा, पहलवान दिन रात मुराक है। सही कह रहा पप्पू,
वे दोनों कम थी, उसके बाप भी आ लिया, खून पिला क्या मेरा। 24 घंटे कभी वर्जिश कर, कभी पीटी कर, कभी यू कर, कभी वू कर। पी पी पी। 1,00,000 फलाना ठिकाना, गावे कुछ ते कुछ, दिमाग खराब कर के रखा बिल्कुल। तेरी तो कतई मुसीबत आ रही भाई। तब मेरी मदद कर सकते हो तो कर दो, अरना वे मुझे मारने वाले हैं। भाई कर तो सके हम। हाँ। ये हाथों को पैरों से लगा, ऊपर सीधे हाथ। किसके चक्कर में फंस गया भाई? फिर ऊपर, अब थोड़ा कदम ताल। अरे रुक क्यों गया बेटा, करता रहो करता रहो। जो करना कर ले, पात्र से ठीक कर ही देंगे। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, नीचे। कौन हो तुम? अरे बोलते क्यों नहीं? या मैं यूपीपी कांस्टेबल नंबर 1,04,005 विजय मलिक उठाऊं डंडा? हम तो गोपाल के दोस्त हैं। गोपाल आपकी घनी तारीफ करे। हम तो तन्हे देखने आए। ओ, तो तुम्हें भी मेरी तरह शरीर बलवान बनाना है? हाँ जी। तो बस ठीक है फिर, तो आ जाओ तुम भी तीनों, लग जाओ लेन में। अरे शर्मा क्यों रहे हो गधो, चलो। हाँ अरे करो। हम मर गए तेरे चक्कर में, मरवा दिए सुसरे ने, मालिक जान काट के छोड़ दोगा। हाँ ये क्या बात कर रहे हो तुम? डिसिप्लिन के मामले में यूपीपी कांस्टेबल नंबर 1,04,005 बहुत सख्त है। बातें नहीं, पीटी करो पीटी। 1, 2, 3, 4, 5। ले मंद बुद्धि। अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ। 1-2 दिन और रुक जाओ ना पापा जी। हाँ चाचा जी 1-2 दिन और रुक जाते। ना बेटा रुक तो मैं जाता, पर क्या करूँ, थाने का ऐसो परेशान हो रहा होगा। मैं तो यहाँ हूँ, एरिए के सारे बदमाश छुट्टे घूम रहे होंगे। पिछली बार जब मैं गांव में गया था ना, तो सीधे SSP का फोन आ गया था मेरे पास। कह रहा था अरे मलिक साहब जल्दी ड्यूटी ज्वाइन कर लो, वरना DGP मेरा तबादला कर लेंगे, और मुझे ना जाना पड़ गया था, इसलिए मैं रुक नहीं सकता। अब चल भी दे UPP 1,00,000 फलाना ठिकाना। पापा जी नमस्ते। नमस्ते, जीती रहो जीती रहो। रह मंद बुद्धि, तू भी जीता रहो। सो डंड सो बैठक रोज लगाइए, और 5 किलो दूध पिया करिए, जब जाके वो शरीर बढ़ेगा, समझ गया? जानता पहले और रह बता दे, पूरा कसाई का कसाई है। हाँ अब चलें। हाँ बेटी इसका ख्याल रखियो, अगर यो डंड बैठक ना लगावे तो मुझे बता दियो। चलो भूरे जा अपने जीजू को बुला के खेतों की लड़ाई करनी है। कहाँ रह गए यू? जीजी जीजू आ गया। की बात होगी कुछ ना, वैसे ही दर्द हो रहा। हाँ पता लग गया होगी ना, खेत में जाना, खेत के नाम तो पहली कमर में दर्द बन जाते रे।
उस तो और पूछ लूं। चालन ने तो मैं चाल पड़ूंगी पर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। खेत के नाम पे एक के तो कमर में दर्द बन जा, एक का मेकअप खराब हो जा। मेरा कुछ नहीं घिसता, मैं घर का काम भी करूं और खेत का भी। अरे पप्पू के बात होगी, कैसे परेशान सा बैठा? अरे कुछ ना यार, कुछ मत पूछ यार। अरे तू तो कल अपने लिए लड़की देखन गया था, इसी बात का तो रोना है? के बात होगी, मेरे से ज्यादा दुखी है के? अरे तुम्हें तो पता ही है, कल लड़की देखने गए, बड़ौत गए, जबकि मेरा दिमाग खराब है। अरे कल से पापा ने लट्ठा दे रखा मेरे, अरे ना रोटी का ना पानी का, घर से बाहर कर दिया। के बात होगी, आदमी ठीक ना के? चाचा से बात करूं? ना ना, आदमी तो बहुत बढ़िया, जाती पैरों में पड़ गए। और कई तरह की मिठाई और खाना लगा दिया, इतना रंगा लगा दिया कि खाए ना गया। और लड़की का भाई तो छाती पे खड़ा रहा पानी लेके। तो फिर के बात है, लड़की सुंदर ना है के? ना ना, सुंदर तो बहुत है, पूछे मत। तो के बात होगी, दान दहेज में दिक्कत आ रही है? अरे ना, 251,000 रूपए तो कैश एंड टोटली सारा सामान। अरे बुलेट भी दे रहे हैं, वो भी सेल्फ स्टार्ट। अरे ससुरे तुझे और क्या चाहिए, लड़की भी सुंदर है, घर वाले भी बढ़िया हैं, दान दे जो से बढ़िया दे रहे हैं, और क्या चाहिए? अरे वो तो सब ठीक है, साथ में BMW भी दे रहे हैं। BMW? अरे ससुरे तेरे अपने शिकल भी देखी है, 8वीं में 6 बार फेल हो गया, 10वीं में 3 बार फेल हो गया, 12वीं तेरे पे हुई नहीं, इसे दे रहे हैं BMW और हवाई जहाज चाहिए तुझे है? मारे जा रहे हैं, सुन पानी। अरे क्या सुने तेरी, औकात तो तेरी साइकिल की नहीं, सपने देखे तो हम बाड़नी वाले। शिकल देखी तेरे अपने शीशे में, सामान तो बता दिया ना, दो जन में मेरा मिलने का है। बताओ भाई, BMW? BMW का मतलब है बहुत मोटी वाइफ। हैं? है ना? हैं। हे प्रभु, आज मेरा जन्मदिन है, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो प्रभु, तुम मुझे इन संकटों से बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ। अब आप दोनों बोलो, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, हमारे पति पर, हमारे पति पर धन धान्य की हमेशा कृपा रखना, धन धान्य की हमेशा कृपा रखना। हे विष्णु देवता, हे विष्णु देवता, आप हमारे पति पर, आप हमारे पति पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब आप दोनों बोलो, हे भगवान, हमारे पति की सबसे बड़ी मुसीबत को दूर करें। अरे बोलो ना, हे भगवान, हमारे पति की सबसे बड़ी मुसीबत को दूर करें। अरे क्या हुआ, बोलो ना। ये ना बोल लेंगे पंडित जी, मेरी सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अच्छा जी, हाँ चलो चलो, न्यू कुकर खा लो आप, मेरी गेला चलो, मैंने आपकी पसंद का खाना बना रखा है आपके जन्मदिन खातर, चलो चलो। चलो कैसे? चलो जी आप कमरे में चलो, कमरे में बैठ के खाना खाऊंगे, और वैसे भी पहले इस घर में मैं आई हूँ। के मतलब? मतलब ये पहले इस घर में मैं आई हूँ, इसलिए पहला हक मेरा है इन पे, समझी? हक वक की बात का मन है ना बेरा, और आपने जो मंदिर में पंडित आकर मेरी बेइज्जती करी है ना, फिर भी मैंने आपकी पसंद का खाना बना रखा है, आपकी पसंद की पनीर की सब्जी, भिंडी, पूरी, हलवा, सारी चीज बना रखी है, चलो खा लो। अरे तेरी खीर, पूरी, मटर पनीर की सब्जी, देखे आज तो मजे आ गया, इसे कहने किस्मत, एक तो चोरी और ऊपर से दावत का इंतजाम, यस। ये बात तो तने बिल्कुल ठीक कही, मंदिर में तो आज इन्होंने हमारी खूब बेइज्जती करी है, पर पंडित को मार गोली। पर मुझे एक बात समझ में ना आती, तू हमेशा हमारे बीच में ही क्यों आवे? अगर मेहनत जी न होती तो सासू माँ कभी भी तेरा ब्याह इनसे ना करवाती,
वो तो थारा फर्ज था। फर्ज? कैसा फर्ज? फर्जी था, जब तेरे बालक ना हुए थे तो मेरी गेल तब्या करना ही था। अरे तेरी ले कर दिया कांड, अब इसकी महाभारत ना खत्म होने की। अरे यार तू कहां फंस गया भाई, तेरी हिम्मत है यू जो तू इन्हें झेल रहा। अरे तू आपकी बात लेकर बैठ गई बिना बात, चल रोटी खाऊंगे चल। खाना गया भाड़ में, आज मैं इससे बात करूंगी, इसकी हिम्मत कैसी हुई ये बात बोलने की। सच्ची बात कहने खातर हिम्मत की जरूरत ना होती, सब नबेरा जिसके बालक ना होते उसने के क्या करे। देख जवान संभाल के बात करिए, बांझ होगी तू, तेरा सारा खानदान और अपने पापा से कह के सारों को जेल भिजवा दूंगी और फिर वहाँ कवाली करते फिरियो, समझी। और तू मेरे पापा को तो जानती है वो कैसे हैं। अरे तुम यहाँ लड़ाई बंद करो, पूरा गांव तुमने सिर पे ठा रखा है, सब सो भी लिए, तुमने जागरण कर रखा, चलो रोटी खाओ चल के चल। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू बात ठीक ना, कभी कभी औरत को आदमी की बात भी सुननी चाहिए। आए हाय के कही, मारे पूरे खानदान ने भीतर करवा देगी, मैं ना डरती तेरे उस पापा यूपीपीपी बेरा ना के बैंडे जा है वो आदमी, सारा दिन बात आके पकोड़े से तारे जा है। चार दिन रहा था घर में, जीना आराम कर दिया इनका, तड़के पीटी सान उठक बैठक, कदे कुछ कोई नुकरा कर अपने जमाई गेला। अरे क्यों उसका सही का नाम लेके मुझे डरा रही हो, राम जाना के खा के पैदा हुआ था, मेरी कुंडली में लिखा जाना था के वो, उसके नाम सुनकर मुझे डर लगे है। तेरे पापा ने की फुर्सत से सारा दिन टिकट ठूसनते है और बचे कुचे टाइम में इनकी दही तुड़वानते है। देख मैं बहुत देर से देख रही हूँ तू मेरे पापा के बारे में बहुत ज्यादा बोल रही है, मैं भी जानू तेरे बाप और भाई को, उन रोहतक के डकैतों के बारे में मैं भी जानू सारी। के कही तने फिर कही ये। अरे तुम रात बंद करो यार, इतनी रात होगी तुमने गाँव में ड्रामा बना रखा। हाँ सही कही, तेरे बाप और भाई डकैत है ले कह दी। मेरे भाई और बाप थे डकैत कही तने। हाँ कही ले कर ले के करे, और तेरे रहते ऐसे मारूंगी जो तने मेरे पापा के बारे में कुछ कही। हाथ लगा के दिखाइए। अरे वो कौन सी मनुष गड़ी थी जो मैं तारे घरों चोरी करने आ गया। अरे मेरी अम्मा हो, अपना काम करो, रोटी छोटी खाओ और लौट जाओ और मुझे अपना काम कर दो। अरे 11 बज गए, घना टाइम हो लिया, मुझे घर भी जाना, राम कली 2 महीने में मैके चाहिए, मुझे उससे भी मिलना। पूरी रात कटी है, रोटियों पे छराड़ थी या खाने को एक दाना भी नहीं मिला। यू कौन है भाई? अरे तू यहां क्या कर रहा भाई? साले चोर, चल
प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। प्रधान जी राम राम। अरे बनवारी, तेने तो हद्दी कर दी, अपने आस पड़ोस के गांव तो बख्शी देता। अरे आप ही देख लो प्रधान जी कितना भोला बन के खड़ा है। अब आप ही बताओ गांव वालों, इसको क्या सजा देनी चाहिए? इसको पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस की बात टाल करो। अरे इसे पहले गधे पे बैठाओ, पुलिस को बाद में देख लेंगे। गधे पर बैठाओ, सिर मुंडवाकर मुंह काला करके। प्रधान जी मैं तो न्यू कहूँ, इस पेड़ से बांधो नंगा करके। अरे इसका पिछोंडा इतना पीटा जावे कि बंदर की ढाल लाल हो जावे। चुप है, बंदर की ढाल लाल कर दो, सर मुंडवा दो, नंगा कर दो। अबे तुम लोगों को शर्म नाम की चीज ना आगे। मेरा नाम है बनवारी, बनवारी चोर, और चोर में मेरी बहुत बड़ी इज्जत है। और सुन, मैं थारे हाथ नाता, पर पता ना किस मनुष्य की शक्ल देख के और आज मैं इनके घर में घुस गया। और तुम सजा की बात कर रहे हो, सजा तो बेचारा यूं भुगत रहा। मन्ने इसकी हालत रात देखी, कैसे कुल्लू में गांडे की तरह रस निकल रहा है इसका। भाई मुझे तेरे से पूरी हमदर्दी है। प्रधान जी यो सोड़ा ने सही कह रहा, यू बेचारा दोनों बहुओं के बीच में ऐसा फंस गया जैसे कह नहीं करते धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। भाई ये भाई सही कह रहा, सब मानोगे तो होली मारो, एक एक करके मारियो, पर भाई मेरा मुंह छोड़ दियो, क्योंकि मेरा मुंह देख के रामकली ने मेरे से ब्याह कराया। मेरे मुंह को छोड़ दियो और मारो। अरे क्या बात है, आज तो दोनों बड़ी मेल जोल से बैठी हो। आ जाओ भाभी बैठ जाओ। क्या तैयारी हो रही है? भाभी आपने ना मेरा कल करवा चौथ से। अरे मारी छोड़ दो भाभी, तुम अपनी बताओ थारी की तैयारी है। अब मेरी क्या तैयारी होगी, हर कोई तुम्हारे जैसे नसीब वाला थोड़ी है जो तुम्हारे जैसा पति मिले। क्या बात है भाभी, आपने कती सही कही। सारी जिंदगी मारे आदमी मारी सेवा करे, फिर मारा भी तो फर्ज बने कि एक दिन हम भी उनकी सेवा कर ले। हाँ ये बात तो सही कह रही हो तुम। चलू मैं तो तुम्हारी कटोरी वापस देने आई थी। ठीक है भाभी, मुझे देर हो रही है। कद के पड़े सोन लग रहे, काम कौन करेगा? सो जान दे, थोड़ी देर में कर लूंगा। उठो या मारू एक। लो जी चाय पी लो। क्या हो गया, कोई डरावना सपना देख लिया क्या? सपना तो मुझे यूं लग रहा है, आज इतनी मेहरबानी कैसे। लो तुम चाय पी लो, मैं थालियां नहाने के लिए पानी भर दूं। लाया मेरे तदो। थारी दोनों की तबीयत ठीक तो है, अब डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। टेंशन क्यों ले रहे हो, आज करवा चौथ है, अरे यो दिन आदमी की सेवा करने का होया करे। अच्छा तो यह बात है, तो करवा चौथ रोज क्यों ना होती है। घनी लाड साहब बनन की जरूरत ना है, रात ने चांद लिकड़े पीछे मेरे कमरे में आजियो। तू घनी साणी बन रही, पहले ये मेरे पास आऊंगे, न्यू कुकर तेरे दोहराओगे, मेरे दोहराओगे। अगर तुम इसके पास चले गए तो थारी खैर ना है। के कया खैर ना है? हाँ हाँ कई के कर लेगी, मैं इन्हें पकड़ के अपने कमरे में बंद कर लूंगी। बंद करके दिखा, चल रहे हो कि नहीं मेरे साथ? और जो तुम चले गए थारी खैर ना है, फिर देख लियो तुम। तुम मेरे साथ चलो कमरे में, ले जाके दिखा। ये कहाँ गए? अरे ये कहाँ निकल गए? मैं इन्हें पकड़ के ला रही अपने कमरे में बंद कर, मैं छोड़ दूंगी। मुझे क्या पता, ढूंढू हूँ, ढूंढ के लाऊं, आज कमरे में बंद करूंगी। दोस्तों ये है मेरी दो घरवालियां, दो दो घरवालियां होने पे यूं ही हाल हो गए,
जो मेरा हो रहा है। भाइयों, सही भाइयों से रिक्वेस्ट है, विनती है, दूध घराड़ियों के चक्कर में ना पड़े, बड़े बुड्ढे सही कहे। घर में बच्चे दो ही अच्छे और बीवी एक।